मतदान के बाद यह सुनिश्चित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में स्पष्ट बहुमत के आंकड़े को चौथे चरण के मतदान में ही पार करने की स्थिति में है। इसके कारण पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है और इस बौखलाहट के कारण ही पाखंडिया गठबंधन के लोग एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर संविधान बदलने का मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। श्रीमान राहुल गांधी के अब्बा हुजूर हजरत राजीव गांधी ने 1985 में संविधान पर शरीयत लादने का कुकर्म किया था और संविधान पर शरीयत लादने का जो कांग्रेस का इरादा है वो बारंबार प्रकट हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की आत्मा को कुचलने के इरादे से सन 2004 में आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण का प्रावधान किया गया जो कालांतर में सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दे दिया। उसके बाद 2006 में न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोग का गठन कर उसे सिफारिश कराई गई कि मुसलमानों के लिए 15% आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। 6% आरक्षण पिछड़ों के कोटे से छीन कर मुसलमानों को देने की सिफारिश भी जस्टिस रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट में की गई। इतने पर ही कांग्रेस नहीं रुकी, उसने सन 2009 में अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात की और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने तो 2011 में कैबिनेट नोट भी बनाया जिस विषय पर संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सरदार पटेल जैसे विद्वज्जनों ने यह निर्धारित कर दिया था कि इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। वो बारंबार जो है संविधान की आत्मा को कुचलने का प्रयास क्यों करते हैं, इसका उत्तर एक बार भी नहीं आया। और जो कांग्रेस के इस बार के घोषणा पत्र में कहा गया कि हम पर्सनल लॉ जो है उनको संरक्षित रखेंगे, किस सेकुलर देश में जो है वो किसी भी धर्म के अवलंबियों के को पर्सनल लॉ प्राप्त है, तो ये साफ तौर पर संविधान पर शरीयत लादने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है जिसका जवाब राहुल गांधी के कारिंदे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कभी नहीं देते। उनके साथ दूसरे जो व्यक्ति बैठे थे जनाब अखिलेश यादव, 2014 में समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में कहा गया कि वो अगर उनकी सरकार आई तो 14% आरक्षण मुसलमानों को देंगे। ये किस संविधान के हिसाब से देना आपने निश्चित किया था? आपके ऊपर तो ऐसे आरोप थे कि जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तो दंगों में राहत बांटते समय आप धर्म विशेष के लोगों को ही राहत दे रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए फटकार लगाई, धर्म विशेष की लड़कियों को ही आप जो हैं विशेष उनके लिए स्कीम्स बनाते थे, तो ये कौन से संविधान सम्मत है भाई? आपने बारंबार संविधान का अपहरण करने की कोशिश की और जिन इंडी अलायंस के घटक दलों में से किसी की भी आज यह स्थिति नहीं है कि लोकसभा चुनाव में वो 40 सीटें भी जीत सके। वो भारतीय जनता पार्टी कितने चुनाव में सीटें जीतेगी उसको लेकर भविष्यवाणियां कर रहे हैं, अपना तो ठिकाना नहीं है, दूसरों के बारे में टिप्पणियां हैं। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि बौखलाहट का स्तर कितना ज्यादा है। और दिल्ली के महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री के आवास पर उनके निजी सचिव द्वारा पीटा जाता है, इंडिया अलायंस का एक भी घटक दल इस पर टिप्पणी नहीं करता। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपकी चिंता कितनी खोखली है यह बेनकाब हुआ है। लगातार जो है इंडिया अलायंस,
पराजय की हताशा के कारण कुंठा की शिकार है और आज वही कुंठा उनके पत्रकार वार्ता में साफ तौर पर देखी गई है। आप लोगों कोई प्रश्न हो तो देखिए, जिन्होंने इस देश में 70 वर्षों तक लोगों को भूखा रखा और राशन नहीं दिया, जिन लोगों ने भाषण ही दिए खोखले, राशन कभी नहीं दिए, और जिसके साथ वो बैठे थे, याद कीजिए इसी उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न घोटाला हुआ था और हाईकोर्ट ने और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी। जो खाद्यान्न घोटाला करते थे वो राइट टू फूड का जो कानून तो बनाते थे, लेकिन कभी किसी को जो है उन्होंने पेट भर के राशन देने की व्यवस्था नहीं की। आज जब मोदी जी ने राशन की व्यवस्था कर दी है, 80 करोड़ लोगों के घरों में राशन पहुंच रहा है, तब जब पांचवा चरण आया है, चुनाव का 4 चरण मतदान हो चुका है, तब पांचवें चरण में अचानक उनको याद आ रहा है। ये वैसे ही बयान है, 2004 में श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा था हम 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे और 10 वर्षों में महंगाई 10% की दर से बढ़ा दी। तो ये इनका जो है एक छलावा है और उनकी हार सुनिश्चित है, ये इसका संकेत भी है। देखिए, जिनके अब्बा हुजूर ने वहाँ पर बाबर का मकबरा बनाना तय किया था, जो बाबरी के उपासक हैं वो श्री राम लला के मंदिर में दर्शन करने किस मुंह से जाएं, इसलिए मुंह चुरा रहे हैं। देखिए, जो अपराधी हैं, माफिया हैं, और जो अपने पिता की मौत को भी जो है वो झूठ का एक हथियार बनाते हैं, ऐसे झूठों के बयानों पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना भी उनकी औकात बढ़ाना है। क्या क्या पूरे हर किसी के ध्यान में आ जाएगा कि शराब का घोटालेबाज लखनऊ आया है, और उनसे जरूर पूछना चाहिए कि स्वाति मालीवाल को उन्होंने क्यों पिटवाया। देखिए, हमारा एनडीए अलायंस बहुत बड़ा है और उस एनडीए अलायंस को जो है 400 पार सीटें मिलना सुनिश्चित है। हमारे साथ बहुत सारे राजा भी हैं और प्रजा तो है ही।